कराची में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 22% से ज़्यादा रिकॉर्ड। तर्जमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 9,059 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,047 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस तरह शरह में मुस्बत केसेस की शरह 22.60% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तमाम हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन पर है। इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के वक्त से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहां है, लेकिन आरएसएस के ज़ेर तसल्लत भारत अमन नहीं चाहता। मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों और दीगर अकलीतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। दियामन में तूफानी बारिशों के बाईस सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। बारिशों की वजह से वादी बाबूसर, न्यारथक, वादी बटूगा, वादी खनर और बोनरदास की वादियों में लोगों के मुतअद्दिद मकानात, अराजी बागात और खड़ी फसलें सैलाबी रैले की नज़र हो गईं। नज़ीर चौहान रिमांड पर एफआईए के हवाले, तरीन ग्रुप का सख्त रद्दअमल का फैसला। एफआईए ने जंगी तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान को लाहौर की जिला कचहरी अदालत में पेश किया। फ्रिकैन का मौकफ सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नज़ीर चौहान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दारों का वक्त ख़त्म, हुकूमत बताए कि तब्दीली के लिए क्या कर रही है। अदाकारा महविश हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुल्क में ख्वातीन और बच्चों पर होने वाले जिंसी और सिंफी तशद्दुद के बारे में आवाज़ उठाते हुए कहा, हैशटैग और नारों का वक्त ख़त्म हो चुका। अदाकारा ने मुतालबा करते हुए कहा, हुकूमत बताए कि निज़ाम को तब्दील करने के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है। मुआशरे में जिंसी और सिंफी तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक की दीगर इकसाम को निज़ाम में तब्दीली के बगैर ख़त्म नहीं किया जा सकता।